नमस्कार, कैसे हैं आप सब। पेरेंटिंग पर फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चंस की इस सीरीज में आज का सवाल है कि बच्चों को बोतल कैसे छुड़ाई जाए। सबसे पहली बात मैं आपको पूछना चाहती हूँ, आप बोतल क्यों छुड़ाना चाहते हैं? अगर बच्चा बहुत छोटा है, बोतल से दूध पीता है, तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। आप दूध की बोतल को अच्छे से क्लीन करिए, स्टरलाइज करिए और उसको दूध दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बट बोतल क्लीनिंग का वो आता है, सोल्यूशन आता है, वो दीजिए। लोग बोलते हैं दो बच्चा दूध बोतल से दूध पीता है उसके ईयर में पेन होता है, वो बोतल की वजह से नहीं होता है। वो इसलिए होता है क्योंकि बच्चा जब दूध पी रहा होता है तो उसका पोस्चर सही नहीं होता, वो ऐसे लेट के पी रहा होता है, तो वो सही नहीं होता। आप अगर बच्चे को दूध बोतल से दे रहे हैं तो उसके पोस्चर को सही रखिए, स्ट्रेट नेक से लेटाइए, दोनों तरफ पिलो का सोल्यूशन कुछ सपोर्ट दीजिए। अब बात करते हैं कि हमें बोतल क्यों छुड़ानी है, अगर बोतल छुड़ानी है तो कैसे छुड़ानी है। बोतल छुड़ाने के लिए सबसे आपको ये जानना ये जरूरी है कि बच्चे के लिए दूध की बोतल के संग एक इमोशनल कनेक्ट होता है। बच्चा रोता है, वो दूध की बोतल लेता है, चुप हो जाता है। स्टमक एक होता है, वो दूध की बोतल लेता है, वो चुप हो जाता है। अकेला होता है, उसको कुछ अच्छा नहीं लग रहा होता है, दूध की बोतल लेता है, वो चुप हो जाता है। तो ये समझना जरूरी है कि उसके लिए दूध की बोतल एक इमोशनल कनेक्ट है। आप उसको एक दिन ऐसे ही छुपा दिया, नहीं मिल रही, अब तो ग्लास से ही पीना पड़ेगा, ऐसे नहीं चलेगा। आप क्या करिए, बच्चे की जो बोतल होती है उसमें धीरे धीरे नीचे से ऐसा ना ब्लैक नेल पेंट लगा दी या कुछ कलर लगा दिया नीचे से अंदर में, तो आप धीरे धीरे उसको बताइए बेटा आपकी बोतल खराब हो रही है, लगता है थ्रो करनी पड़ेगी। 3-4 दिन में आप उसको थोड़ा सा बढ़ाते जाइए, फिर वो बहुत ज्यादा उसको लगेगा हाँ सही में बोतल डर्टी हो गई। तो आप अपने बच्चे को खुद बोलिए बेबी इस बोतल को थ्रो कर दो, ये डर्टी हो गई। फिर आप बच्चे के संग शॉपिंग मॉल में जाइए, उसको बोलिए दूध की बोतल नहीं मिल रही है, उसके साथ 2-3 तरीके के एक नहीं डिफरेंट काइंड ऑफ सिपर्स लेके आइए। आजकल तो बहुत तरीके का, एक ग्लास आता है जिसके अंदर स्ट्रॉ अटैच्ड होती है, एक सिपर आता है जिसके अंदर एक अलग ही स्ट्रॉ होती है, इतने ब्यूटीफुल मग्स आते हैं। तो आप वो 2-3 वेराइटी लेकर आइए। जब आप बच्चे को उसके अंदर दूध दे रहे हैं तो एज अ पनिशमेंट मत दीजिए। आप उसके संग बैठिए, ओ नाउ यू आर अ बिग बॉय, आप भी मम्मा के संग पी रहे हो, देखो मम्मा भी पी रही है, चीयर। तो उसको कप में इंटरेस्ट रहेगा, वो उससे इमोशनली कनेक्ट होएगा। अगर आप उसकी बोतल छुपा दोगे तो उसको कहीं ना कहीं उस बोतल का वेट रहेगा कि शायद आज मिल जाएगी मुझे अपनी बोतल, शायद मम्मा आज क्लीनिंग करेगी उसको कहीं बोतल मिल जाएगी। तो वो वेट दिमाग में नहीं रहना चाहिए। उसके लिए आपको जरूरी है, आप सबसे पहले तो बोतल बच्चे से थ्रो करवाइए कि बेटा ये बहुत डर्टी हो गई। फिर भी उसको बीच बीच में याद आएगा मम्मा बोतल तो बोलना अंकल को ऑर्डर करी है, अभी अंकल भेजेंगे, पर अब तो आप बिग हो, अब तो आप इससे पी सकते हो लाइक मम्मा पापा। तो उसका वो इमोशनल कनेक्ट प्यार से छुड़ाना बहुत जरूरी है। ऐसे लोग बोलते हैं छुपा दो नहीं मिल रही, पर मेरे संग तो ऐसा कभी पॉसिबल ही नहीं हुआ। उसको हमेशा बैक ऑफ द माइंड में रहता था आज शायद मिल जाएगी, कल मिल जाएगी। फिर मैंने उससे जब उसकी बोतल छुड़वाई तो उसको पता था अब घर में बोतल है ही नहीं, और वो हमारे संग बैठ के दूध पीता था। देन वी यूज्ड टू डू कि कौन पहले फिनिश करेगा, कौन बिग है, तो उसको सब खेल लगता था। वो धीरे धीरे वो बोतल कब छूट गई वो पता ही नहीं पड़ा। तो मैं आशा करता हूँ ये छोटी सी हेल्प आपको भी जरूर हेल्प करेगी, और अगर आपको लगता है वीडियो किसी और को हेल्प कर सकता है तो उसको जरूर शेयर करिए, और मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टिल देन बाय बाय।